कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सोनीपत से कांग्रेस मेयर, कांग्रेस के नेता निखिल मदान ने इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। निखिल मदान आज बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहें। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भी निखिल मदान के बीजेपी में शामिल होने के दौरान मौजूद रहने की संभावना है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में सोनीपत से मेयर निखिल मदान बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सबसे जो मेन उद्देश्य है अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए विकास के रास्ते पे, पिछले 3.5 साल में लगातार हमने खूब काम करे, तो मैं समझता था जो कामों में रुकावट थी वो सरकार के साथ में आने में वो हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरा आज भी जो लक्ष्य है वो यही है कि हम सोनीपत को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएँ और जो रुके हुए कार्य हैं हमारे शहर के उनको पूरा करो। बात सबसे हुई है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, वो अपने निजी कारण हैं। आज मुझे लगता है कि सबसे मेन उद्देश्य मेरे को शहर के लिए, शहर की पब्लिक ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं शहर की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए विकास कार्य कराने हैं, शहर की जनता की सेवा करनी है, तो ये मेन लक्ष्य है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ आज 3री बार देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है।